जबकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, CO2 पहले एटमॉस्फेयर में 0.03% था, अब वो 0.038 या 0.04% तक हो गया है, यानी जो 300 ppm एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड था वो लगभग 400 ppm के आसपास हो चुका है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मेन ग्रीन हाउस गैस है और मेन कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग का, तो निश्चित रूप से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। पहले की तुलना में अब ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो ना केवल एनिमल बल्कि प्लांट भी अफेक्टेड हो रहे हैं। हमारे क्रॉप प्लांट भी अब बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी गिरते हुए पाया गया है। तो ऐसे में एग्रीकल्चर साइंटिस्टों ने हीट रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप किया है गेहूं का। अब बारी आ गई है इसको प्रमोट करने का। आपको बता दूं कि किसी भी क्रॉप में हीट रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करने के पीछे कॉन्सेप्ट होता है हीट शॉक प्रोटीन, HSP कहते हैं। एक ऐसा प्रोटीन पैदा करवाया जाता है जीन डाल के प्लांट के अंदर, जो कि ना ज़्यादा टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर सके। तो हीट शॉक प्रोटीन पैदा करके हीट रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप किया गया। इस दिशा में आपको बताना चाहूँगा एक है DBW 187 और दूसरा है DBW 222। ये दो वैरायटी हैं जिन्हें हीट रेजिस्टेंट वैरायटी के रूप में पाया गया और खोजा गया, और इसे आप प्रमोशन की बात आ रही है। तो इस दिशा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ली रिसर्च कहाँ पे है, करनाल हरियाणा, तो इन्होंने ये वैरायटी डेवलप किया और इन्होंने अब कई सारे प्राइवेट कंपनी से MOUs यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है और उनको प्रमोट कर रहे हैं कि आप इसका सीड प्रोड्यूस करिए, हमें किसानों को देना है और आप भी दीजिए। इस तरह से MOU साइन किया हुआ है। तो ये दो वैरायटी का नाम जानना इम्पॉर्टेंट था। यहाँ पे ये भी जानिए कि एक और पॉपुलर वैरायटी है जिसका नाम है PBW 803। अब ये ना काफ़ी पॉपुलर है, ये PBW है यानी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब ने डेवलप किया। ये सुटेबल है एरीगेटेड एग्रीकल्चर में टाइमली सोविंग के लिए और रेजिस्टेंट है ब्राउन रफ्ट एंड स्ट्रिप रफ्ट के लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दिस इज आर नॉट कंसिडर्ड एज ए हीट टॉलरेंट वैरायटी और हीट टॉलरेंट वैरायटी। ये हीट टॉलरेंट वैरायटी नहीं है, लेकिन ये पॉपुलर वैरायटी रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसको आप हीट टॉलरेंट मत समझिए। यहाँ ये भी जान लीजिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ली रिसर्च का नाल है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था में इंटरनेशनल मेज एंड वीट इम्प्रूवमेंट सेंटर मैक्सिको है। इनके भी साथ मिल करके और भी कई तरह के क्लाइमेट रेजिस्टेंट या क्लाइमेट रेजिलेंट वीट वैरायटी डेवलप कर रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है सीमेंट, जहाँ से जो गेहूं के ऊपर में इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे अच्छे वैरायटी और टेक्नोलॉजी डेवलप होते हैं वीट को लेकर के।